अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू की आले सजणा दा बेलियां दा लगदियां लींदियां दा मौसना दा सारे ठीक हो तुसी राजी हो खुश हो मजाज ठीक ना तुहाडे। अज मैं गल एक ना बड़ी अहम जी गल करनी है और यह गल जी पल्ले बन लेना तो सारी जिंदगी बस बन लेना। मैं तुम एक टोटका दसन लगा ना जड़ा ये गल करनी आप साहब ये बड़ी अहम है। अज ही रात नो जिस टाइम निकी का काम जल्दी करना चाहिए बह जाओ अलग कोने कमरे च वजू करके पवो तो सोचो एक दिल चो पा लो गल असा शैतान का गल नहीं मननी असा अल्लाह ताला की गल मननी शैतान का मुकाबला करना शैतान शैतान और नफस ना असा लड़ने अज तैया कर लो तो खुदा की कसमे आखरत भी दुआड़ी है तो दुनिया भी दुआड़ी है। दुनिया दुआड़ी जुत्ती की नोक से होवेगी जिदे इशारा करो दे दुनिया हिले दी जो चाहो दे उस तरह होवेगा मेरे समेत। और मैं हर बंदा कोशिश करता है असी आखिए फौरन सी अली वलीला बन जाइए तो बड़े बुजुर्ग बन जाइए ऐ नहीं हो सकता फौरन नहीं हो सकता हो भी सकता है रब की मर्जी हो लेकिन एक कोशिश बंदा कोशिश ही ना करे यार गुनाह तो शैतान तो जान छुड़ानी तौबा ही ना करे इस मुसीबत चो निकलने की कोशिश ही ना करे अगर कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल च ये हो नहीं सकता वो साडा साथ देण दे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे ते करम करण दे साडा मुहब्बत करण दे साडा मामलात होण दे साडा रूहानी मामला चलण दे साडे रिश्ते। लेकिन एक एक ही चीज़ा जड़िया ना दूजा बस मैं पहले पैसा सोचता अस कि बस झूठ ना बोलिया करिए झूठ तो माफी मतलब केड़ा की झूठ बोले हां जी ओ यार केड़े झूठ अच्छा तू मैंने कहना नवाज साहब किथे हो मैं आखांदा मैं 0.0 हां हालांकि मैं दिल च फायदा पा दूंगा यार इन्हां दा विच फायदा है अब साहब एक ना तू मैं डंडा मार लेना ना मैं तो डंडा मार लेना कोशिश ये भी करिए मेरे ख्याल च सारे रल के रमजान दा महीना बरकत वाला महीना है। हुण उम्र जिहड़ी उम्र दा ते जिंदगी दा पता ही नहीं ना पता ही कोई नहीं उम्र नाल ते तल्लक कोई तल्लक नहीं गल ये करने मतलब एक ते झूठ वाला मामला सारे खत्म करो झूठ नहीं बोलना सच बोलना है ये बड़िया बरकत सच्ची गल की जड़ की अगर सच्ची गल करो तो दुआन तुरंत गलत काम करो तो नहीं तुम गल घर वो मतलब एक एक तुम सच्ची गल करनी घर भी पता है सच्ची दसनी है रिश्तेदारों सच्ची दसनी हर बंद सच्ची दसनी है हर बंद रिस्पैक्ट ये नंबर दो गल हो गई है। नंबर त्री गल है कि वह काम करो जेडे तुहाडे माँ बाप जेडे नाराज ना हो करो जेड़ा तुहाडे भरा सुनन तुहाडी माँ या बीवी पता लगे तो वह महसूस ना करे खुश होवे वह काम करो इहदा मतलब है कि नचोड़े वे कि तुसा चंगे माड़ा करो दे तो उन्हें पता लगे तुहाडी बेइज्जती होवेगी माँ प्यो इंसल्ट होवेगी तो तुहानू चाहिए कि वह काम करो कि जेड़े चंगे काम नो और वह चंगे काम करते जाओ तो मेरे ख्याल च नेकियां होंदियां है बड़ा मुश्किल है काम कोई मुश्किल नहीं नवाज नहीं मुश्किल की वे कि शैतान भी नाल है ना ओदा की करना जी शैतान चलो है ये वेखो हुण जिस तरह तुसी अगे बड़ी काम दी गल कीती असी घर होने आ ना तो बंदा कहंदा जी किथे हो असी कहने जी असी पहुंच गए पारे कोल आ हालांकि सानू नहीं कहना चाहिए कहना चाहिए जी घरों निकल रहे हैं तुहाडे कोल 10 मिनट चार्ज यकीनन उस बंदे नूं भी पता चल जाना जिहदे कोल असां जाना है कि यार अगर ये पारे हुंदा तो मेरे कोल 3 मिनट च आ जाना सी मतलब है कि अच्छा ये अल्लाह ताला ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे कुरान हदीस का मामला है कि झूठ ना बोलो मतलब है कि अगर झूठ नहीं बोला दे तो साथ भी देन देना साडा वो साडे मसले मसाइल भी तो ठीक करन देना असी का झूठ बोलना छोड़ दे ना फरमानी करा दे तो साडी बरकत भी तो नहीं होवेगी ना साडी सच्चाई होवे सही होवेगी तो मेरे वास्ते दुआ करनी तो आपस आवे दुआ करनी जेडे चैनल वेदर पे कि असी नंबर एक शैतान वाला मामला से जान छुड़ाइए जेड़े वेख रहे ने अल्लाह पाक उन्हें भी अपना फजल जेड़े रहमत करे करम करे जेड़े चैनल वेख दे उस सारे करम करे उन जेड़े चैनल नहीं वेख दे जेड़े पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया वाले अल्लाह ताला सारे करम करे ते रहम करे ते असी साडे इत्तकामा देवे अल्लाह ताला सानू सारयां ते अस मेरा चैनल सबसक्राइब करना है ते मेरी वीडियो पूरी वेखनी है ते मतलब है कि अपना ते और बाद शेयर भी करनी है ते बड़ी मेहरबानी ते बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।